हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ना परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डेट्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जो न्यू डेट शीट आई हुई है। आज हम बीए ऑनर्स इंग्लिश की डेट शीट डिस्कस करेंगे जो कि एसएल की डेट शीट रहेगी। जानेंगे कौन सा एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो आज मैं इस वीडियो में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों की डेट शीट एक साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट है जिन्होंने इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में और जिन्होंने पिछले साल न्यू एडमिशन लिया था जो अभी थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो प्लस जिनकी ईआर है फर्स्ट सेमेस्टर की, उनकी भी सेम डेट शीट है। जो डेट न्यू स्टूडेंट की है वही डेट ईआर वालों की है। तो अगर बी ऑनर्स के एग्जाम की बात करूँ तो जो आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट है उनकी जो डेट रहेगी वो 9:30 से 12:30 रहेगी, यानी मॉर्निंग की डेट रहेगी। अगर पहले एग्जाम की बात करूँ तो जो पहला एग्जाम है थर्ड सेमेस्टर का 22 दिसंबर से आपका हो रहा है। डेट्स में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स का जो पहला एग्ज़ाम है वो थर्ड सेमेस्टर का वो 22 दिसंबर को होगा, रोमांटिक लिटरेचर का, ठीक है। मैं अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर है वो 26 दिसंबर को होगा आपका, और जो कि पेपर होगा आपका टोटल 3 सब्जेक्ट आपकी डिसिप्लिन में होते हैं, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। तो ये आपका होगा 26 दिसंबर को फर्स्ट सेमेस्टर का, टाइमिंग सेम रहेगी। मैं ही बात करें थर्ड सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है वो 28 दिसंबर को होगा बी ऑनर्स इंग्लिश का। मैं दिखा देता हूँ पेपर बी ऑनर्स इंग्लिश का, ये रहा विक्टोरियन लिटरेचर थर्ड सेमेस्टर का पेपर आपका होगा 28 दिसंबर को। डेट अपनी नोट करते जाए, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा अगला वो 1 जनवरी को होगा आपका बी ऑनर्स इंग्लिश का। मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट, तो आप देख सकते हो, ये देखिए यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का। फिर देन अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर का हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर का भी अगला आपका 3 जनवरी को होगा, यानी बैक टू बैक एक पेपर लगेगा 2 दिन की छुट्टी के साथ। तो ये आपका होगा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का 3 जनवरी को होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। मई थर्ड सेमेस्टर का 5 जनवरी को आपका होगा बी ऑनर्स इंग्लिश का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ये वाला, ठीक है। देन आपका बस यही सब सब्जेक्ट के आपके पेपर रहेंगे, ठीक है, इसको आप फॉलो मत करना, ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी यही सब्जेक्ट का आपका जो पेपर है वो आपका यानी 5 जनवरी तक आपके थर्ड सेमेस्टर के और 3 जनवरी तक आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम रहेंगे डिसिप्लिन के। अब जहाँ जेनिक इलेक्टिव की बात कर लेते हैं, जेनिक इलेक्टिव का कब होगा। तो जेनिक इलेक्टिव का जो पेपर है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, भाई थर्ड सेमेस्टर की बात करो तो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है वो 20 दिसंबर को होगा। जेनिक इलेक्टिव में आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रखा हो, चाहे इंग्लिश फ्लुएंसी ले रखा हो, हिंदी ले रखा हो, कोई भी ले रखा हो, टाइमिंग रहेगी 9:30 से 12:30। वहीं फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको दिखाता हूँ कब होगा, एक मिनट। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका 21 दिसंबर को होगा जेनिक इलेक्टिव का, टाइमिंग वही रहेगी मॉर्निंग की। आपने फर्स्ट सेमेस्टर जो भी सब्जेक्ट ले रखा हो, चाहे ईआर हो उसका जेनिक इलेक्टिव में, तो उसका पेपर आपका 21 दिसंबर को होगा सेम टाइम पे। फिर नेक्स्ट है आपका एईसी का, देख लेते हैं। तो जो एईसी का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर का, मैं आपको बताता हूँ कब होगा आपका, जिन्होंने एसएल में एडमिशन लिया बी ऑनर्स इंग्लिश में, एक मिनट। तो एक मिनट, एक्चुअली इसमें मिक्स डेट शीट रहती है तो अभी स्टूडेंट थोड़ा कन्फ्यूज जाता, ठीक है। बी ऑनर्स इंग्लिश का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका 10 जनवरी को होगा, जी हाँ 10 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एईसी का जो भी आपने ले रखा, टाइमिंग आपकी इवनिंग की रहेगी, देखिए लिखा है ना ऑल रेगुलर स्टूडेंट एस या मैं सोल स्टूडेंट बी ऑनर्स इंग्लिश वाले फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है, यानी 10 जनवरी को आपका होगा। और आपने कुछ भी ले रखा होगा आपका एईसी में, वो सब्जेक्ट आपका कब होगा, वो सब्जेक्ट आपका होगा 10 जनवरी को एईसी का। वहीं अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर का देख लेते कब होगा, हाँ ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का बी ऑनर्स इंग्लिश का 11 जनवरी को होगा, ठीक है। टाइमिंग इनकी मॉर्निंग रहेगी और इनकी इवनिंग रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, ठीक है। जो भी आपने एईसी में ले रखा हो सब्जेक्ट, जैसे ईबीएस ले रखा हो, कोई भी सब्जेक्ट 11 जनवरी को होगा। फिर नेक्स्ट है स्किल एनहांसमेंट का, देख लेते हो स्किल एनहांसमेंट का कब। तो स्किल एनहांसमेंट की डेट शीट है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की। तो अगर स्किल एनहांसमेंट की बात करें तो स्किल एनहांसमेंट का बताया तो कब होगा आपका एग्जाम, तो जिन्होंने सोल में एडमिशन लिया थर्ड सेमेस्टर बी ऑनर्स इंग्लिश में, तो उनका स्किल एनहांसमेंट का जो पेपर है वो आपका होगा 12 जनवरी को, टाइमिंग मॉर्निंग रहेगी। मैं अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका बी ऑनर्स इंग्लिश का होगा 15 जनवरी को। आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रखा है स्किल एनहांसमेंट में, वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट है इसकी आपकी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट वैल्यू एडिशन का देख लेते हैं, यानी बैक का। तो ये बैक की डेट शीट है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की। तो अगर थर्ड सेमेस्टर के बी ऑनर्स इंग्लिश की बात करूँ, तो अगर आप सोल के स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के, तो आपका जो एग्ज़ाम है बी ऑनर्स इंग्लिश का थर्ड सेमेस्टर का, वो आपका होगा 16 जनवरी को, यानी दिसंबर जनवरी पहुँच चुका है, काफ़ी ठंड रहेगी और ये सारे सब्जेक्ट के आपके पेपर रहेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट आपको मिलेगी। मैं ये अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है, हमेशा सोल देखा करो, ठीक है, डेट शीट में, ताकि आपको डेट शीट मिल चुकी है, टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दिया।
17 जनवरी को आपका होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट में बैक है या न्यू स्टूडेंट है आप, तो टाइमिंग आपकी मॉर्निंग की रहेगी। तो ये दोनों डेट शीट मैंने डिस्कस कर दी बी ए ऑनर्स इंग्लिश की। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।